जा रहे हैं अभी हम सुदर्शन सेतु पे, एक मीटर जो पत्थर है ना उसका यूज किया है जिसमें भाई 40 से भी ज्यादा आईफिल टावर, ये देखो कृष्ण जी का पूरा बनाया हुआ है, वो देखो वो दिख रहे हैं, प्लीज समझो देखो यहीं पर ये विमल ना, ये विमल बड़ी काम खराब कर रहा है। A1 है भाई, चार्ज भी मिली आपको पता है गुजरात का। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आपने लास्ट वीडियो देख लिया होगा कि भाई मैं द्वारका वंदे भारत एक्सप्रेस कवर करने के लिए आ चुका हूँ द्वारका में, और आज की वीडियो में आपको भाई काफी बढ़िया चीज दिखाने लगा हूँ। आपने अगर न्यूज फॉलो करते तो आपको पता होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ब्रिज का उद्घाटन किया जो डायरेक्ट भाई जोड़ता है ओखा से बेट द्वारका के लिए। पहले तो शिप से जाना होता था ना, तो आज की वीडियो में आपको पूरा उसको भी अच्छे से दिखाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप द्वारका आ रहे हैं तो कहाँ रह सकते हैं, दर्शन कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा बता देंगे। चलिए चलते पहले दर्शन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको मेरा रूम टूर करवा देता हूँ। होटल का नेम है होटल केंट, मैं नीचे से भी दिखा दूंगा। ये देख लो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा टी कॉफी मेकर, पानी की बोतल, और देखो ईच एंड एवरीथिंग जो बहुत अच्छे होटल्स में मिलता है ना, ये भी अच्छा होटल ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन जो प्रीमियम कैटेगरी के सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड करा है। इवन भाई ये देख लो परफ्यूम भी रखा हुआ है, क्या बात है यार। और आपको ये देख लो, ये आपको बेड मिल जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा है। यहाँ पर छोटी सी तीन मतलब सीनरीज लगी हुई है, AC फर्स्ट क्लास चल रहा है। वॉशरूम मैं आपको दिखा देता हूँ, वॉशरूम मैं अभी यूज करके आया हूँ, थोड़ा गिल्ला है लेकिन वॉशरूम भी काफी साफ सुथरा है, ठीक है। और सबसे खास बात बताऊँ आपको, वो है 1, 2, 3, ये है भाई सबसे खास बात, क्योंकि वो देख लो सामने है भाई द्वारकाधीश टेम्पल, बिल्कुल ठीक सामने। और होटल को भाई सबसे अच्छा बनाता है यहाँ पर दर्शन, सीधा आप अपनी विंडो ओपन करो और यहाँ से दर्शन करो शिखर के। चलो मैं मंदिर दर्शन करने जा रहा था, ये होटल है होटल केंट। भैया आपका नेम क्या है? अच्छा, तो आपका एक बार होटल का एड्रेस बता देंगे? ये 3 बत्ती चौक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक सामने, मैंने ऊपर से दिखाया है ना, शायद मंदिर बहुत ही नजदीक है यहाँ से। अच्छा यार क्या बात है। और एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी भाई पेड प्रमोशन नहीं है, अच्छा लगा भाई से, और रूम काफी बढ़िया है आपका। तो भैया का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कभी भी आ रहे हैं तो आपकी हेल्प हो जाएगी। देखो मैं भी सुबह ढूंढ रहा था, सीधा आया और अच्छा लगा और हो गया। मैं मंदिर के बाहर आ गया हूँ, आप दर्शन कर लो शिखर के, अंदर तो फोन अलाउड नहीं है। चलो फटाफट से दर्शन करने जाते, एक शॉप मिली है तो यहाँ पे प्रसाद भी ले लिया, और यहीं पर ही लॉकर है तो यहीं फोन रख देता हूँ, क्योंकि फोन अलाउड नहीं है, वहां पर भी आपको लॉकर मिल जाएंगे। गाइस फाइनली दर्शन हो गए, मात्र 20 मिनट भी नहीं लगे होंगे, और यहाँ पर देख लो रश नहीं था ज्यादा आज, और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। प्रसाद मैं लेकर जा रहा हूँ अब होटल रूम पे, एक बार आप सब द्वारा दर्शन कर लो। फाइनली दर्शन करके आ गया हूँ, और होटल के नीचे इनका रेस्टोरेंट था, तो मैंने सोचा पहले सुबह से कुछ नहीं खाया, खा पी लेते हैं। यहाँ पर देख लो ये और रेस्टोरेंट भी काफी सुंदर सा बनाया हुआ है, देखते हैं क्या मिलता है खाने में। किक करके थाली भरी जा रही है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा डलवाएंगे, एक बार थोड़ा थोड़ा डालना, बस बस बस। भाई अभी तक जितनी भी चीज़ें ट्राई करी ना, सब की सब बहुत ही बढ़िया है, और मतलब ऐसा फैंसी ऐसा होता है ना, मतलब बहुत मसालेदार, वो कुछ भी नहीं है, घर जैसा खाना लग रहा है। A1 है भाई, छाछ भी मिली आपको पता है गुजरात में, और छाछ ना पिए ऐसा कैसे हो सकता है। इवनिंग तो भाई खा पी के सो गया था, और अभी मैं निकल रहा हूँ बेट द्वारका की ओर। जिस वीडियो का आपने मतलब क्लिक किया ना, आपको सुदर्शन सेतु पूरा अच्छे से दिखाऊंगा दिन में भी और रात में भी। और यहाँ पर स्कूटी ले लिया है भाई, मिले कैसे भाई? क्या नेम है आपका? मेरा नाम लुधेश। यहीं से हो आप ना? हाँ यहीं। तो भाई स्कूटी पे जा रहे हैं आप आराम से और राइड लेकर मस्ती से। चलो आपको मिलते हैं फिर 3 घंटे बाद। 30 किलोमीटर है ना यहाँ से, 30 किलोमीटर लगे, लगभग 40 मिनट लग जाएंगे, तो आपको अच्छे से दिखाता हूँ, दर्शन भी करवा दूंगा। तो ट्रेन डलवा लेते हैं पहले, ऐसे ना बंद हो जाए। चलो जी 150 रुपए का डलवा लिया तेल। बस अभी 4 किलोमीटर के करीब ही बढ़ा, लेकिन सामने वो ब्रिज दिख ही रहा है भाई, बहुत तेज हवाएं चल रही है, मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा रास्ते में। देख लो जी सामने लिखा हुआ है ओखा, ओखा पोर्ट और बेट द्वारका, वो सामने आपको ब्रिज भी दिख रहा होगा उस साइड। तो पहले एक बार आपको मैं लेकर चलता हूँ सीधा ब्रिज पे। ये जी सामने देख सकते हैं आप, बिल्कुल एंटर करने जा रहे हैं अभी हम सुदर्शन सेतु पे, और ये देख लो भाई द्वारकाधीश टेम्पल का सीधा रास्ता, और बेट द्वारका के लिए आप जाना चाहें तो बिल्कुल सीधा जा सकते हैं। चलिए चलते हैं। और भाई ये देख लो व्हीकल इधर से ही जा रहे हैं, आप टू व्हीलर से भी जाना चाहते हैं ना, तो आप ये देखो सारे बाइक लोग इधर से ही जा रहे हैं। गाइस तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं ये है हमारा भाई सुदर्शन सेतु, और भाई काफी खूबसूरत है भाई। बस माइंड ना करना, मेरे बाल और चेहरे की बैंड बज गई, स्कूटी पे आया ना, और आज आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, मैंने माइक लगा लिया है। और इसकी जो टोटल मतलब लेंथ है ना, वो है 2.3 किलोमीटर्स। इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा आपको, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलाया हुआ उस साइड पे वो आपको सुनाई दे रहा है नहीं, बट ये देख लो भाई कितनी खूबसूरत मतलब चित्र बनाए हुए हैं। और वो ब्रिज पे देखो ऐसे 12 चित्र बनाए हुए इधर देख सकते हैं ये, तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। और इसी पे ना आपको
पैदल चलने के लिए और साइकिल स्पेशली ये रास्ता बनाया हुआ है पैदल चलने के लिए। अगर आप आ रहे हैं तो इधर से आप आराम से जा सकते हैं। ऑटो बाइक कार सब कुछ अलाउड है। देखो मैंने साइड में लगा दी है स्कूटी। स्कूटी से इसीलिए आया था मैं कि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। एक बार मैं आपको उधर से नज़ारा दिखा देता हूँ। भाई देख लो ये पूरा कुछ नज़ारा है नीचे का। संभल के भाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सामने है बेट द्वारका तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इस साइड देखेंगे तो ये पूरा ओखा है, वो पोर्ट है, उधर भी मैं आपको लेकर जाऊंगा और उधर से मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा। है ना, बहुत ही खूबसूरत, मज़ा आ गया। तो देखो ये लोग पैदल जा रहे हैं, पैदल वाले भी यात्री आ रहे हैं। ऐसा नहीं है आप बस से आ सकते हैं, उसके बाद आप पैदल जाना चाहें पैदल जाएं, नहीं तो आपको ऑटो भी मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ मैं बताऊंगा, देखो ये सामने रोड पे काफ़ी लोग मतलब ना खड़े होके शूट कर रहे हैं, है ना, मतलब ये गलत है। बीच में ना खड़े हुए मेरे हिसाब से, देखो ये शूट कर रहे हैं। ठीक है एक फ़ोटो यहाँ पर साइड में खड़े होकर ले लो, जैसे मैं भी अब ब्रिज पर इस पर लूँगा फ़ोटो खड़े होकर। तो अभी मैं आपको आगे लेकर जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। ये है भाई काफ़ी सुंदर, भाई ये आ चुके हैं। अब भाई आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। यहाँ पर बीच में खड़ा हूँ क्योंकि रोड पे खड़ा होना सेफ नहीं है। भाई इसको बनाने के लिए 1.5 लाख क्यूबिक मीटर जो पत्थर है ना उसका यूज़ किया है, जिसमें भाई 40 से भी ज़्यादा आईफिल टावर बन जाते हैं। और साथ ही साथ सुनने में आए 10,000 टन स्टील यूज़ किया गया है इस पर। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं भाई कितना मजबूत है। अंदर व्यू दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर, आपको दिखाऊंगा दूसरी साइड ना। बहुत ही मतलब स्वीट सी ध्वनि चल रही है, ये देखो सुनो, हाय हाय कितनी खूबसूरत चल रही है। और यहाँ पर भाई काफ़ी लोग रुक रुक के मतलब ले रहे हैं। देखो साइड में रुके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोड पे ना खड़े हुए। बाकी भाई इसमें ना 1811 किलोमीटर का लंबा केबल यूज़ किए गए हैं और इसकी जो कह सकते हैं भाई 200 गुना से भी ज़्यादा ऊंचा है माउंट एवरेस्ट से। काफ़ी चीज़ें हैं इसकी जो मैं डिटेल मेरे को सुनने में आई है। और 2.3 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है ये वाला। अब भाई इसमें आराम से आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी गाड़ियाँ बाइक सब लोग भाई इस पे आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ भाई मतलब ना लोग कितना गंदगी में जाते हैं, बहुत गलत है। ये देखो गुटखा खा खा के यहाँ पर थूका हुआ है। इतनी खूबसूरत यार सुंदर चीज़ बना रहे हैं, प्लीज़ समझो। देखो यहीं पर ये विमल ना, ये विमल बड़ी काम ख़राब कर रहा है, पर इतना मेरे को पता है। ये देखो ये सारा खा, आगे तो मैं देख रहा था भाई पूरा लाल किया हुआ है यार थूक थूक के। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक ही दरख्वास्त करता हूँ, देखो मेरा तो कोई इससे जाता नहीं है, कर लो, मेरी कोई घर की प्रॉपर्टी तो नहीं है, सभी की प्रॉपर्टी है। और भाई अपने देश में इतनी सुंदर चीज़ें बन रही हैं तो इसका ख्याल भी हमें ही रखना है। अब आपको आगे लेकर चलता हूँ और मिड में भी रोक के आपको नज़ारे दिखाते हैं। ना प्लान ये है कि दर्शन करके आऊँगा, उसके बाद रात में लाइटें जलती है ना बहुत खूबसूरत, भाई यहीं से ही हैं तो बता रहे थे यहाँ पर लाइट्स बहुत खूबसूरत जलती है, तो आपको रात का नज़ारा ट्राई करेंगे, आपको अच्छे से दिखा कर ही जाएंगे, अब इतनी दूर आए हैं तो। ये आगे चल रहे हैं, अब आपको आगे लेकर चलते हैं। और ना मैं देख रहा हूँ काफ़ी फैमिलीज भी आ रही हैं स्पेशली इसको देखने के लिए, लेकिन सही स्कूटी सही ले ली। अभी मैं बता दूँ इस पर कोई भी टोल नहीं है, कोई भी आए कोई टोल नहीं है इसमें। और लगभग 12:30 के करीब आप कह रहे हो, थोड़ा फिर काफ़ी मतलब पुलिस आ जाती है तो फिर आगे आने नहीं जाते, 12:30 आपको पता ही है मेन। अच्छा अच्छा जाओगे तो वापस नहीं आ सकते 12:30 के बाद, लगभग 12:30 के बाद। और इस पर टोटल खर्चा है लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्चा है इसको बनाने के लिए। 2017 में अक्टूबर में इसमें इसकी शुरुआत हुई थी बनने की, और 2024 अभी पिछले महीने 25 तारीख को इसकी मतलब कह सकते हैं कंप्लीशन, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और ठीक 20 दिन बाद आज 20 दिन बाद मैं लगभग आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे ना कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो नहीं थी, तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको अच्छी लग रही तो भाई लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। चलिए चलते हैं और दर्शन भी करवाते हैं आपको। मैं वहाँ पर आ गया हूँ जहाँ पर पहले फेरी चलती थी, मतलब इधर से जाते थे और फेरी वहाँ से सामने से लेते थे। और इधर से आप व्यू देख सकते हैं भाई क्या ही खूबसूरत लग रहा है ना। वो है सामने सुदर्शन सेतु जो मैंने आपको अभी दिखाया है, रात में भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने सोचा एक बार आपको वो पॉइंट दिखाया जाए। तो यहाँ से 40 रुपीज़ की टिकट लगती थी, ठीक है जी आना जाना, और यहीं से हम आगे फेरी लेते थे। तो ये सारी फेरीज जाती थी पहले उस साइड पे भेट द्वारका की साइड पे, लेकिन अब आप ब्रिज से भी भाई आराम से जा सकते हैं। मोदी जी ऐसे आपको पता है वो तो भाई नीचे मतलब दर्शन करने भी गए थे, जो पुराना द्वारका देश मतलब भेट द्वारका की इधर आए थे दर्शन करने के लिए। तो मैंने सोचा आपको एक बार यहाँ से भी दिखाया जाए। अब आपको मैं लेकर चलूंगा, रात का व्यू दिखाऊंगा अच्छे में भाई, सुनने में आया बहुत ही खूबसूरत लाइट्स जलती हैं और काफी अच्छा लगता है।
कैसा लगा भाई अभी तक वीडियो बताना, लेकिन भाई स्कूटी में ना बैंड बज गई चेहरे की और बालों की, बट कोई बात नहीं है, स्कूटी की बिना आना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं गाड़ी से आता, वैसे आप आ सकते हो, आप मतलब बस से भी आ सकते हो, बस से यहाँ से आप ऑटो लेकर चले जाओ, लेकिन भाई मैं तो स्कूटी इसलिए ले, अगर आपका खुद का व्हीकल है टैक्सी लेकर आओ। मैं चाहता था आपको भाई स्कूटी पे अच्छे से दिखाऊं मैं, चलिए, लेकिन यहाँ पे अब तो वैसे भाई फेरी से मेरे ख्याल से अभी तो नहीं कोई लोग जा रहे, क्योंकि भाई ब्रिज बन गया इजीली आप जा सकते हैं यार, ब्रिज से फेरी का भी कोई यूज़ ही नहीं है, और पहले ये फेरी ज़्यादा सेफ भी नहीं होती थी, मतलब आपको ये लाइफ जैकेट और भाई बहुत ज़्यादा रिस्की रहता था भाई, मिट्टी बहुत उड़ रही है यहाँ पर। बाकी इस ब्रिज पे ना देख लो भाई 80 की गाड़ियों की स्पीड है, मतलब जो मैक्सिमम स्पीड है, और 60 जो ट्रक्स चल रहे हैं। ब्रिज के मतलब एंड पे आ चुका हूँ उधर से, और ये देख लो भाई कितना खूबसूरत सनसेट हो रहा है, तो मैंने सोचा एक बार आपको रोक के दिखाया जाए यार, बहुत ही खूबसूरत। अब उस साइड जाऊंगा तब तक तो भाई सनसेट हो ही जाएगा, तो मैं पहले दर्शन करके आता हूँ, फिर दूसरी साइड पे आपको कुछ यूनिक चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैं आपको बता रहा था ना कि आप बस से आ सकते हैं, उसके बाद ऑटो आपको मिल जाएंगे पार्किंग के लिए, या आपको ओखा जाना है तो आप ऑटो से भी जा सकते हैं। देखो लाइन में ऑटो लगे हुए हैं, तो भाई दिक्कत कोई भी नहीं है, आराम से आप आइए और दर्शन करिए, ऑलमोस्ट भाई आपका 1 से 1.5 घंटा बचने वाला है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं बेट द्वारका में, और पीछे टेंपल है, दर्शन करके आते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी हिस्ट्री, जितना मेरे को पता है कि बेट द्वारका जब लॉर्ड कृष्णा जी यहाँ पर रहते थे, और उनके जो फ्रेंड थे ना सुदामा जी, उन्होंने इनको भेंट में दिया था, मतलब गिफ्ट में, एज अ, तो भेंट का मतलब होता है गिफ्ट, तो गिफ्ट में इनको शायद चावल दिए गए थे, तो इसलिए बेट द्वारका नाम रखा गया था। और यहाँ पर देख लो ये सारी स्कूटी खड़ी है, तो ये स्कूटी यहाँ पर लगा दी अपा ने, और चलते सामने टेंपल है, दर्शन करके आते हैं। ये बढ़िया भाई स्कूटी से, देखो कुछ अच्छी चीज़ के पीछे ना कुछ राज होता है, अगर मैं गाड़ी पे आता तो शायद मेरे को उधर रख के आना पड़ता और आपको सारी चीज़ें ना बता पाता। चलो चलते हैं भाई, स्कूटी की डिग्गी में अपना बैग रखते हैं, और क्योंकि यहाँ पर फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर, तो आपको दर्शन में करवा दूंगा आगे चल के एक बार। तो जब भी आप फेरी से आते थे तो ये रास्ता होता था सामने, आप जो देख रहे हैं ना इधर से सब लगवाते थे, और यहाँ पर देख लो सामने मंदिर है। चलिए अंदर चलते हैं आपको लेकर और दर्शन करवाते हैं शिखर जी के। तो लीजिए भाई सब लोग कर लीजिए दर्शन, यहाँ पर फोन अंदर अलाउड नहीं है, तो आपको मैं यहीं से देखो सामने शिखर दिख रहे हैं, यहीं के दर्शन होंगे, क्योंकि आपको पता जहाँ अंदर अलाउड नहीं है वहाँ आपको मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन जब भी आप आ रहे हैं आपको यहाँ पर ये फोन दिख रहे हैं ना, ये खिड़की, यहाँ पर आपको फोन डिपॉजिट कराना है। बताऊँ ये एंड है, इधर से लेफ्ट लेंगे तो मंदिर के लिए, लेकिन यहाँ से ही नहीं गाड़ियाँ जाती, तो ये जो मैं बता रहा था ना ये पूरी पार्किंग बनी हुई है, यहाँ पर ये फ्री पार्किंग है, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, बाहर भी लोगों ने लगाई हुई है। ये वापस की तैयारी है, और देख लो भाई अंधेरा भी होने ही वाला है, वैसे मोस्टली हो ही गया है, तो यहाँ पर देख लो द्वारका और ओखा रेलवे स्टेशन भी, इधर से आप जा सकते हैं, और ओखा पोर्ट। चलिए चलते हैं, और आपको अभी लाइट्स वैसे ऑन तो हो गई हैं, देखो बीच बीच में मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। इधर मैं जा रहा था ना इस साइड पे भी आपको चलने के लिए और साइकिल के रास्ता मिल जाएगा, और ये देखो ये मैं कह रहा था बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, देखो धीमी धीमी, ये देखो स्पीकर लगे हुए हैं, ये देखो ये पूरे रास्ते आपको सुनाई देंगे, और वहाँ लाइट्स जल गई हैं रास्ते में, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। अभी मैं मिड में रुक चुका हूँ यार, कितना खूबसूरत लग रहा है, पता नहीं कैमरे में आएगा कि नहीं आएगा, बट मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यार, ये चीज मुझे बहुत ही सुंदर लगी। तो यहाँ पर ये पूरी लाइट्स जल रही हैं, आपको इधर दिख रही होंगी ना, यहाँ पर ये देखो साइड्स में सारी लाइट्स जली हुई हैं, जो ऊपर लाइट्स फेंक रही हैं, ये देखो ये सारी लाइट्स जल रही हैं, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और बीच में देखो आप, यहाँ पर ये देखो कृष्ण जी का पूरा बनाया हुआ है, वो देखो वो दिख रहे हैं आपको, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यार। अभी रुको वापस से दिखाता हूँ, ये देखो ये रे क्या बात है यार, मजा आ गया यार, आपको कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। चलिए यार मेरे को ना यहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, मेरे को वहाँ पे भी जाना है दर्शन करने के लिए, ठीक है वहाँ पर चलते हैं। नागेश्वर जा रहा हूँ मैं अभी, रोड लगे है अवली, और रोड बहुत खराब है यार, ये अभी तक तो खराब ही पीछे बहुत मिल रही है, काम चल रहा है, और भाई आसे पासे कुछ भी नहीं है यार, अंधेरा है। कोई बात नहीं भाई, भोले जी के दर्शन करने जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, पहुँच जाएंगे आराम से। तो भाई फाइनली जाकर देख लो भोले बाबा जी इधर से मेरे को दिख गए हैं, इट मीन्स भाई वो देखो सामने हम पहुँच ही गए हैं, बट यार मैं बताता हूँ आपको, कोई नहीं एक बार स्कूटी लगा लूँ फिर मैं आपको बात करता हूँ। भाई फाइनली जाकर पहुँच चुके हैं श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में, और मेरे को पता है लगभग 20 किलोमीटर था कैसे आया, रोड पूरी ख़राब भाई, मैं एक जगह तो अकेला ही चल रहा पूरा, और उसके बाद याद आया कि मेरे से तो बोले बाबा जी कोई टेंशन नहीं,
लेकिन रोड बहुत मिट्टी मिट्टी, चेहरा खराब हो गया। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप आ रहे रात में तो बिल्कुल नहीं आना इधर से अकेले, तो बिल्कुल नहीं। चलो अंदर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। भाई आप भी दर्शन कर लो सब लोग। जय हो। बहुत ही खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं, और मतलब लगभग शायद 9 बजे टेंपल क्लोज हो जाता है, लेकिन बहुत सुंदर हो गया दर्शन। बाहर भी दर्शन कर लो, कितनी खूबसूरत शिव जी की प्रतिमा है ये। वाह यार, मैं 4-5 बार यहाँ पर आया हूँ, बहुत जब भी आया हूँ बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। तो भाई यहाँ पर वेट कर रहे हैं, सौराष्ट्र मेल जा रही है, फाटक आया है बीच में, ये जाती है भाई मुंबई, हाँ सोमनाथ ओखा मुंबई। चलिए जी फाइनली पहुंच गए हैं सुख शांति से द्वारका में वापस से, और ये देख लो ये है द्वारकाधीश का मेन गेट, वेलकम टू द्वारका। हाँ जी गाइस, तो रात में मैं 9 बजे पहुंच गया था, और उसके बाद में सुबह भाई अर्ली मॉर्निंग मैंने वंदे भारत पकड़ी, जो ऑलरेडी आप वीडियो देख चुके हो, देन फ्लाइट पकड़ के मैं आ चुका हूँ अब दिल्ली में। और कल भाई आपके लिए बहुत स्पेशल है, कह सकते हैं 2-4 वीडियोस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बस आपको हिंट मैंने पिछली वीडियो में दे दिया था, नहीं देखी वीडियो तो जाकर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको मिलेंगे भी नेक्स्ट व्लॉग में। पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए मुझे पहली बार देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।